देश के करीब 12 राज्य जल उठे हैं। SC ST एक्ट में देश की सर्वोच्च अदालत ने बदलाव करने का फैसला क्या सुनाया? विरोध में दलित संगठनों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। हिंसक प्रदर्शनों में जहां आगजनी हुई तो वहीं कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर देश के 12 राज्यों पर पड़ा है। अब तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 7, यूपी और बिहार में 3-3, वहीं राजस्थान में 1 की मौत हो गई है, तो वहीं कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन इन सब के बीच लखनऊ के ASP BP अशोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि देश भर में फैली हिंसा से वो बेहद आहत है, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं ASP के इस्तीफे से दलित सियासत गर्मा गई है, क्योंकि BP अशोक BSP सुप्रीमो मायावती के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार इसे विपक्ष की पैंतरेबाजी मान रही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने SC ST एक्ट पर पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने की बात मान ली है। ऐसे में ये देखना बाकी है कि मोदी सरकार भारत बंद में फैली हिंसा को रोक पाने में कितनी कामयाब हो पाती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।